नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। कल पंजाब के फिरोजपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई थी, जो 15 से 20 मिनट वो एक फ्लाईओवर पर खड़े रहे थे और आगे प्रदर्शनकारी रोड को ब्लॉक करे हुए थे, उस बारे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये कहा गया था कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूँ। जब वो बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मैं वापस आ गया हूँ, एसपीजी ने मेरी जान को बचा लिया है। आज गृह मंत्रालय की टीम उसी फ्लाईओवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहुंची थी, जहां पंजाब सरकार की एक दो नहीं कई कमियां नजर आई हैं। और बताया ये जा रहा है कि एसपीजी को जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी ग्रीन सिग्नल दिया था, डीजी ने लिखित आदेश दिया था कि आगे रूट क्लियर है और 130 किलोमीटर के रूट की जानकारी डीजी और एसएसपी ने गृह मंत्रालय को दी थी, यानी कि एसपीजी को दी थी, जिसके बाद ही ये काफिला आगे बढ़ा था। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय आज क्या एक्शन लेता है, क्या चन्नी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा और गृह मंत्रालय के द्वारा बाकी प्रदेशों में यदि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में ऐसी कोई चूक होती है तो उसके बाद क्या कोई एक्शन लेने के बाद एक मैसेज दिया जाएगा, जिससे कि बाकी राज्यों में अगर ऐसी कोई चूक होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा या जान माल को लेकर तो वहां पर क्या एक्शन लेती है गृह मंत्रालय, आज ये देखना होगा। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रास्ते से गुजर रहा था, उनकी एक रैली थी फिरोजपुर में एक फ्लाईओवर के ऊपर, जहां वो खड़े थे यानी कि उनकी गाड़ियां गुजर रही थी, अचानक से आगे रोड ब्लॉक हो गई, प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मिनट तक उस सड़क पर, उस फ्लाईओवर पर खड़े रहे, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर भी बहुत करीब है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी कई लोगों के निशाने पर भी हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं और उनके लिए नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाना बहुत आसान था और कल बहुत बड़ी चूक हुई थी, जिसके बाद बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की सरकार यानी कि चन्नी सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं चन्नी सरकार ने कहा है कि ये एसपीजी की गलती है। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय की जो टीम आज पहुंची है उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा पंजाब सरकार के ऊपर, या पंजाब सरकार को बर्खास्त किया जाएगा और बाकी राज्यों को क्या मैसेज जाएगा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो क्या एक्शन लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति की यानी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक होती है तो गृह मंत्रालय कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता है, यह बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।